राजस्थान में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो गई है। आचार संहिता लगने के बाद से लेकर अब तक अलग अलग एजेंसियां यानी पुलिस, इनकम टैक्स, आयकर विभाग सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने 143 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सामग्री जब्त की है, जिसमें 26 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आचार संहिता लगने के बाद से लेकर अब तक 7,95,978 लीटर शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 26 करोड़ 27 लाख रुपए है। इसके साथ ही एजेंसियों ने 38.94 करोड़ रुपए की ड्रग, 15.72 करोड़ रुपए की सोने चांदी की सामग्री, 46.24 करोड़ रुपए की कीमत की फ्री बीच सामान जो चुनाव के दौरान लोगों को फ्री बांटी जाती है, उसे भी जब्त किया गया है। आगे गुप्ता ने बताया कि जयपुर में सबसे ज्यादा 21 करोड़ 20 लाख रुपए की सामग्री पकड़ी गई है। दूसरे स्थान पर उदयपुर है, जहां 11 करोड़ 20 लाख रुपए। तीसरे स्थान पर बाड़मेर, जहां 9 करोड़ 80 लाख रुपए। चौथे स्थान पर भिलवाड़ा, जहां 9 करोड़ 39 लाख रुपए की सामग्री पकड़ी गई है। और वहीं इन सब के अलावा अलवर में 8.21 करोड़, जोधपुर में 8.26 करोड़, श्रीगंगानगर में 7.17 करोड़, सीकर में 6.63 करोड़, चित्तौड़गढ़ में 6.53 करोड़ और पाली में अब तक 5.26 करोड़ रुपए का सीजर किया गया है। वहीं आपको बता दें, इस बार प्रदेश में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों ने अवैध सामग्री जब्त करने के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले कभी चुनाव के समय में राज्य में इतनी सामग्री जब्त नहीं की गई। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पूरी आचार संहिता के दौरान यानी 65 दिन में 70 करोड़ की अवैध सामग्री जब्त की गई थी, लेकिन इस बार एनफोर्समेंट एजेंसियों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।